अरे भाई, फेसबुक का मेरे को है ना सेटअप करने का, इन स्ट्रीम का, तो वो कैसे होगा? हाँ, इन स्ट्रीम फेसबुक का सेटअप करना है तो आइए हम बताते हैं आपको कि इन स्ट्रीम का फेसबुक का सेटअप। पहले तो क्राइटेरिया बताते हैं, वहाँ पे 60,000 मिनट वॉच टाइम होना चाहिए और 5,000 फॉलोअर होना चाहिए इन स्ट्रीम सेटअप करने के। तो हमारे एक फ्रेंड का फॉलोअर भी कंप्लीट हो गया है और वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया है, तो आइए हम बताते हैं उसका सेटअप कैसे करना है। ठीक है भाई, बताओ। फिलहाल आपको सिंपल फेसबुक खोलना है पहले। फेसबुक खोलने के बाद क्या करना है, अपने प्रोफाइल में चले जाना है। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन होना चाहिए उससे पहले पहले, ठीक है। उसके बाद में सी बोर्ड में जाना है। सी बोर्ड में जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा यूर एलिजिबल स्टार्ट अर्निंग विद इन स्ट्रीम। यहाँ पर आपको दिख रहा है, थोड़ा नज़दीक ला के दिखा दीजिए। तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आइएगा तो इन स्ट्रीम एड्स का सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्या करना है आपको, क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा एड टूल, एड टूल का ऑप्शन था, उस पर एड टूल पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे क्या होगा, इन स्ट्रीम एड एक्टिवेट ब्लू टिक जैसा निशान है। अब ये क्या हुआ होगा, रिव्यू में फेसबुक डालेगा। अब इधर लाइक ये रिव्यू करीबन आपको 72 घंटा के लिए रहता है या फिर ये महीनों तक जा सकता है। जब तक आपका फेसबुक रिव्यू करता है प्रोफाइल का, प्रोफाइल को चेक करता है कि किस तरीके का प्रोफाइल है और प्रोफाइल में सही वीडियो डाला गया है कि नहीं। अगर ओरिजिनल कंटेंट नहीं रहेगा तो वो थोड़ा फंसा के रखेगा, दिक्कत आती है। इसलिए अपना कभी भी वीडियो ना ओरिजिनल डालिए और हर चीज़ ओरिजिनल कीजिए ताकि आपको इन स्ट्रीम भी हो तो बाद में दिक्कत ना हो। तो सेटअप का मैंने बता दिया। अगर ऐसे ही आपको वीडियो देखनी है तो आगे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो करके रखिए अगर फेसबुक पे देख रहे हैं। थैंक यू।